राजस्थान प्लाज्मा थेरेपी की शुरुआत करने वाला देश का चौथा राज्य बन चुका है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसएमएस मेडिकल कॉलेज में प्लाज्मा थेरेपी से ट्रीटमेंट का औपचारिक शुभारंभ किया। मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि एसएमएस अस्पताल में दो मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज किया गया है। दोनों मरीजों की तबीयत अब ठीक है। मंत्री रघु शर्मा ने इस सफलता के लिए डॉक्टर भंडारी और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। तो वहीं अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने यह कहा कि सैंपलिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट सभी क्षेत्रों में एसएमएस अस्पताल ने शानदार काम किया है। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल सुधीर भंडारी ने यह बताया कि पॉजिटिव से नेगेटिव हुए कोरोना मरीजों का 28 दिन बाद पुनः कोरोना टेस्ट किया जाएगा और इसके बाद उनका प्लाज्मा लेकर गंभीर मरीजों का उपचार किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि प्रारंभिक ट्रायल में प्लाज्मा थेरेपी के अत्यंत सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं। तो जिन लोगों को पॉजिटिव केस के रूप में हमने भर्ती किया, उनका हमने ट्रीटमेंट करके उनको नेगेटिव कर दिया। तो नेगेटिव तभी हुए वो जब उनमें एंटीबॉडी डेवलप हुआ। तो उनका जो ब्लड लेके और उसके प्लाज्मा से हम जो सीरियस नेचर के पेशेंट्स हैं उससे प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उनको रिकवरी करने के लिए हमने आईसीएमआर को कहा था कि हमको परमिट करो। तो राजस्थान में एसएमएस हॉस्पिटल पहला अस्पताल बना जहां ट्रायल बेसिस पे दो पेशेंट्स पे प्लाज्मा थेरेपी को हमने ट्रायल बेसिस पे किया और उनकी रिकवरी हुई। अब हम इसको आज राजस्थान में प्लाज्मा थेरेपी को विधिवत रूप से हम गंभीर मरीजों के ऊपर ये लागू कर रहे हैं थेरेपी को, और राजस्थान देश में चौथा राज्य बनेगा, केरल, मध्य प्रदेश और दिल्ली के बाद में चौथा राज्य बनेगा जहां प्लाज्मा।